हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फोर आर्म्स के बारे में। अगर आपको अपने हाथ है मजबूत बनाने हैं, हाथों की विंग्स निकालने हैं, तो उसके लिए बेस्ट वर्कआउट मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। और कम से कम 3 से 4 वर्कआउट रहेंगे जिससे आप अपने फोर आर्म्स हैं मजबूत कर पाओगे और एक अच्छे दिखेंगे। क्योंकि हम जैसे टी शर्ट पहनते हैं हाफ बाजू की, तो उस टाइम हमारे फोर आर्म्स हैं वही दिखते हैं। और अगर हमारे फोर आर्म्स अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी में विंग्स अच्छी निकली, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको भी अगर अच्छे फोर आर्म्स बनाने हैं, जो मैं आपको वर्कआउट देता हूँ 3 से 4 वर्कआउट, वो आप वर्कआउट कीजिए और बहुत ही जल्दी आपके फोर आर्म्स अच्छे बनने वाले हैं और हाथों की क्वालिटी सुधरने वाली है। तो आइए हम करते हैं बिना देरी स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वर्कआउट रहेगा डंबल लेंगे हम, ठीक है, और डंबल्स को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए पहला वर्कआउट हमारा ये रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको करना है ये, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया। फिर आपको वापस इन्हीं डंबल से करना है, जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इनको ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। फिर आपको इनको ऐसे करना है, ये ऐसे। तो दो तो वर्कआउट ये हो गए हमारे, ठीक है। फिर हमारा तीसरा वर्कआउट है ऐसे करना, हमें हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। फिर इनको ऐसे घुमाना है, ऐसे, ये तो मैंने आपको 3 तरीके से डंबल से वर्कआउट करके बताया फोर आर्म्स के, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। आपको इस बात का ध्यान रखना, इनको तब तक करना जब तक आप कर सको, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना करना है, क्योंकि इनके लिए कोई रेपिटेशन नहीं होता है। जितना हम ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा इसकी जो हमारे फोर आर्म्स है इसकी क्वालिटी सुधरती है और अच्छे बनते हैं, ठीक है। और एक लास्ट वर्कआउट है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है हमारे फोर आर्म्स के लिए और हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनने वाली। तो अच्छी क्वालिटी के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्या करना, जैसे मान लो कि मैंने एक ये ईंट यूज रखी है, और यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का डंबल भी बांध सकते हो, एक रस्सी यूज करनी है, ठीक है, और ऐसी डंडी भी लेनी, लकड़ी की ले सकते हो, पाइप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको बांध लीजिए। फिर इसको क्या करना, इस कंडीशन में वर्कआउट करना, देखिए ये ऐसे खड़ा रहना, फिर देखिए ऐसे, ये इस कंडीशन में ऊपर ले जाना है घुमा के, ठीक है। फिर इसी को घुमाते हुए ही नीचे लाना है, ऐसे नहीं सीधा छोड़ दे, नहीं, घुमाते हुए ही नीचे लाना है, ठीक है। फिर वापस करना है ऐसे ऊपर, ऐसे तब तक करना है जब तक आप कर सको, और कम से 4-5 बार इसको करना है बार बार, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी बनेगी फोर आर्म्स की, और अच्छे फोर आर्म्स बनेंगे। तो अच्छे फोर आर्म्स बनाने के लिए अच्छी मेहनत करो और अच्छी डाइट लो, और डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फालतू की चीज़ें खाओगे तो बॉडी अच्छी बनने वाली नहीं। अच्छी चीज़ें खाओ, प्रोटीन वाली चीज़ें यूज़ करो, फाइबर यूज़ करो, कार्बोहाइड्रेट यूज़ करो, जो अच्छी क्वालिटी में वही डाइट लो। और डाइट के लिए वीडियो मैंने वेट गेन के लिए, इससे पहले जो वीडियो आया हमारा वेट गेन के लिए है, और इसके बाद में भी मैं फैट लॉस के बारे में, वर्कआउट के, जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार की डाइट्स होती सब पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे फोर आर्म्स बनाने के लिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, अच्छे फोर आर्म्स बनने वाले हैं। तो कैसा लगा ये तरीका कमेंट में ज़रूर बताना सभी।